जो तो गार्डन जो 150-200 एकड़ में बनने जा रहा है, और हम समझते हैं कि ये पूरे मराठवाड़े का सबसे बड़ा गार्डन होगा, ये आपके प्लाट से कितने दूर पे है? बस ये सफारी पार्क जो करीब में ऐसे 200 या 300 मीटर पे है, ये प्रॉपर्टी पूरी लीगल है क्योंकि महानगर पालिका से हमने सैंक्शन लेआउट किया है। मंदिर भी है, मस्जिद भी है, कब्रिस्तान भी है, पूरा टोटल सुविधा है। यहाँ से व्यक्ति 200 मीटर पे अपना कब्रिस्तान है और 200 मीटर पे शमशान भूमी पण ही येलो जमीन आहे। इथं आम्ही 44 केलेले आहे, महानगरपालिका सँक्शन आहे। याच्यामध्ये आम्ही तुम्हाला ड्रेनेज लाईन देणार आहे, 30 फुटाचा सिमेंट रस्ता करून देणार आहे आणि ओपन स्पेस राहील। आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे इथे बाजूला सफारी पार्क होतं आहे आता नवीन, आणि पलीकडून त्याला जाण्यासाठी रस्ता आहे आणि मेन रोडनं पासून फक्त 500 मीटर आतमध्ये आहे। आज जर तुम्ही गुंतवणूक केली तर भविष्यात तुम्हाला याचा जास्त बेनिफिट मिळेल। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़, महवीर अंसारी। इस वक्त मैं मिटपेटे में मौजूद हूँ और तमाम दर्शकों को बता दें, अक्सर हम न्यूज़ कवर करते हैं कहाँ घटना घटी, कैसे घटी, या कोई नेताओं के भाषण बताते हैं, स्टेज प्रोग्राम बताते हैं, लेकिन आज का जो हमारा जो प्रोग्राम है, जो हम आपको बातें देने वाले हैं, जानकारी देने वाले हैं, ये प्लॉटिंग से संबंधी है। हम देखते हैं औरंगाबाद शहर में महंगाई का दौर है, आज गरीब का जीना मुश्किल हो रहा है। हर कोई चाह रहा है कि मैं औरंगाबाद के बाहर फैल के, चाहे दौलताबाद हो, खुल्दाबाद हो, मिटपेटा हो, पड़ेगा हो, यहाँ पर मैं ज़मीन खरीदूँ और वहाँ पर रहूँ। ये कहीं ना कहीं दिल में हर इंसान की इच्छा है और कोशिश में है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि आज प्लाटिंग के अंदर इतने गफले और मामला सुनने को आते हैं कि एक लेने वाला व्यक्ति जो सक्षम है लेकिन बिचक जाता है कि अगर मैं ज़मीन लूँगा कहीं फंस ना जाऊँ। तो यही इसी वास्ते हम कवर कर रहे हैं कि ज़मीन कितनी लीगल है, क्या मामला है, इसकी परमिशन किस तरह से है, प्लाट कितने बड़े हैं, क्या है, तमाम जानकारी हम तमाम दर्शकों को पहुँचाना चाह रहे हैं ताकि आप यहाँ आ सके, देख सके और आपको लेने में खरीदने में आसानी हो। चलिए हम आगे फिर विस्तार से आपको जानकारी बताते हैं। हम देखते हैं कि पड़ेगा हम मिटपेटा का नाम आता है तो सबसे पहले डर आता है लोगों के दिल में कि ये ज़मीन का क्या मामला है। सबसे पहले ये बोलिए, इसका कानूनी तौर से लीगल कितनी है? ये तो लीगल, ये प्रॉपर्टी पूरी लीगल है क्योंकि महानगर पालिका से हमने सैंक्शन लेआउट किया वाला है जी, और इसमें बाकी तो कोई विवाद नहीं है। और सर आपकी इसमें जो तो प्लॉट कितने हैं? इसमें टोटल ये ज़मीन टोटल आधा एकड़ है, इसमें 14 प्लॉट्स है और उसमें 14 प्लॉट्स में जैसा एक 30 फीट का रोड है बीच में से, और जो एक ओपन स्पेस भी है, जो पूरा टोटली लीगली प्रॉपर्टी सैंक्शन लेआउट जैसा महानगर पालिका पूरा उसको सैंक्शन करके दी वाली है। सर आज हमने औरंगाबाद में देखा है, मीडिया में भी देखा है, यहाँ पर जो तो गार्डन जो 150-200 एकड़ में बनने जा रहा है, और हम समझते हैं कि ये पूरे मराठवाड़े का सबसे बड़ा गार्डन होगा, ये आपके प्लाट से कितने दूर पे है? बस ये सफारी पार्क जो करीब में ऐसे 200 या 300 मीटर पे है अपने लेआउट से। लेआउट से, हाँ, मतलब उसका रास्ता आपके प्लाट से क्यों गुजरता है? हाँ, थोड़ा आगे से, अपने प्लॉट से थोड़ा आगे से चल जाने के बाद आता है। आप इस ज़मीन के मतलब कौन है, ऑनर है, क्या है? मैं ये डेवलप के लिए हुआ है, ज़मीन के लिए। सर आपका नाम बोलिए, इसके बारे में आप क्या जानकारी रखते, क्या देना चाहेंगे दर्शकों को कि ये प्लाट में कितनी मतलब लेने में कितना फ़ायदा है, आने वाले भविष्य में क्या डेवलप हो सकता है, क्या कर सकते हैं, थोड़ा एक आपकी जो सोच है यहाँ के हिसाब से, माहौल के हिसाब से, उसके बारे में जानकारी ताकि लेने वालों को समझने में आसानी हो और यहाँ आ सके। मेरा नाम 26 नसीर पठान है और मैं यहाँ का रहवासी हूँ मिटमिटे की, और ये जो प्लाटिंग जो निकाले अभी ये 44 प्लाटिंग है और इसमें जो रोड है तो एक 30 फुट का रोड है, इसको भी रोड बनाया जाएगा और डेनिस लाइन रहेंगे, पानी के नल रहेंगे और लाइट के खंभे लगेंगे, ये पूरी उनको सुविधा दी जाएंगी। और ये जो प्लाटिंग है इन्हीं 44 है। अचीवली साहब, यहाँ पर मराठी कॉलेज, स्कूल, क्या सुविधा है अगर लेने वाले आए कि हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, सारी बातें, तो क्या क्या सुविधा है अतराफ में? मतलब अतराफ में इधर तो एक लॉन है, कैसा लॉन बोल के, अच्छा बड़ा लॉन है, और इधर बाजू में जो है तो सिद्धार्थ कॉलेज है, और इसके अलावा बाजू में जो मंदिर भी है गिरजा माता का, इसको लगते थे। सर जब ज़मीन की बात आती है तो हम देखते हैं मीडिया के अंदर ये भी देखने में आता है कि कई शमशान नहीं है, कई कब्रिस्तान नहीं है, ये भी बात, हालांकि बहुत महत्वपूर्ण बात है, तो बता सकते हैं यहाँ पर और क्या क्या सुविधा है, जैसा मंदिर है, कब्रिस्तान है, शमशान भूमि है, और कितनी दूर है आपके प्लाटिंग से? यहाँ पे मंदिर भी है, मस्जिद भी है, कब्रिस्तान भी है, पूरा टोटल सुविधा है। यहाँ से व्यक्ति 200 मीटर पे अपना कब्रिस्तान है और 200 मीटर पे शमशान भूमि है।
अच्छा सर, प्लाट का भाव आप पर्सनली फोन के जरिए ग्राहकों को बताएंगे क्या ओपन भी बोलना चाहेंगे आप? नहीं, आप आइए बोलना, हमको साइट देख ली है, साइट देखने के बाद आप रेट की बात करेंगे। सर इसके बारे में जानकारी दे तमाम दर्शकों कि आने वाले भविष्य में ये प्लाट कितना उनके लिए महत्वपूर्ण है। सर हाँ, शक्य तो हाँ, इथे येलो जमीन नहीं है, ग्रीन जमीन जास्त करून आहे, पण ही येलो जमीन आहे। इथे आम्ही 44 केलेले आहे, महानगरपालिका सँक्शन आहे। याच्यामध्ये आम्ही तुम्हाला ड्रेनेज लाईन देणार आहे, 30 फुटाचा सिमेंट रस्ता करून देणार आहे आणि ओपन स्पेस राहील। आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे इथे बाजूला सफारी पार्क होतं आहे आता नवीन, आणि पलीकडून त्याला जाण्यासाठी रस्ता आहे आणि मेन रोडनं पासून फक्त 500 मीटर आतमध्ये आहे। आज जर तुम्ही गुंतवणूक केली तर भविष्यात तुम्हाला याच्या जास्त बेनिफिट मिळेल। उदाहरण म्हणजे आपण इथे पूर्ण डेव्हलप झालेलं आहे आजूबाजूला, आणि आज तुम्ही घेतलं तर उद्या चालून तुम्हाला आणखीन जास्त प्रॉफिट मिळेल। याच्यामध्ये तुम्ही राहू बी शकता, तुम्ही गुंतवणूक बी करू शकता, सगळं व्यवस्थित आहे। ते सुनील टाकोड, आपला फोन नंबर आहे? सर माझा फोन नंबर आहे याच्यावरती, सुनील टाकोड, 8844-6-7809। याच्यासमोर डांबर रस्ता आहे बघा, इथे केशर लॉन आहे, बाजूला सिद्धार्थ कॉलेज आहे आणि आम्ही मध्ये तर तुम्हाला रस्ता करून देणार आहे। मेरा नाम शब्बीर नसीर पठाण, मिटमिटा, मोबाईल नंबर 93-25-25-71-72। मेरा नाम शेख खाजा मिया है और मेरा कॉन्टैक्ट है 9906075858। इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अगर कोई इंक्वायरी करना हो तो ये नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए। इस तरह से आपने देखा, इस ज़मीन के डेवलपर्स हैं, कहने के जो मालिकाना अधिकार रखते हैं, उनसे हमने बहुत खुलकर चर्चा की, क्योंकि हम देखते हैं मिटपिटा पड़े गाँव का जब एरिया का नाम आता है तो लोग दिल में डर भी आता है कि ये ज़मीन लीगल है इलीगल है, कई विवाद भी सामने आते हैं। लेकिन जैसे इन्होंने जानकारी दी है कि महानगर पालिका से पूरा उसका सेंक्शन लेआउट पूरा क्लियर है और ये ज़मीन पूरी क्लियर टाइटल है। अब ज़मीन जैसा इन्होंने गोपनीय तरह से कहा है कि हम जो लेने वाला व्यक्ति है हम उनके फ़ोन के द्वारा बातचीत करेंगे, आपको कितने में पड़ता है, महंगा पड़ता है, सस्ता पड़ता है, जो भी है। लेकिन यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ का माहौल बड़ा खुशगवार है, पहाड़ों के दामन में और घनी बस्ती है, आबादी फुल है और यहाँ से करीब में हमारा खुद का सर्वे रहा है, हमने जायज़ा लिया है कि ठीक यहाँ से अगर पैदल आप चले जाते इस ज़मीन से दूर तो ज़्यादा नहीं 15 मिनट में सफारी पार्क जो हमारे मराठवाड़ा का ऐतिहासिक गार्डन बनने जा रहा है वहाँ से बहुत नज़दीक है। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले भविष्य में यहाँ पर आप लॉजिंग बना सकते हैं, हॉस्टल बना सकते हैं, दूर दूर से पर्यटक आएंगे उनके लिए आप खाने के होटल बना सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि ये व्यवसाय के स्वरूप से ये ज़मीन बड़ी कीमती है, बड़ी अनमोल है। तो जो लोग देखना चाहते हैं सबसे पहले, तो हम चाहेंगे तमाम देखने वालों को दर्शकों को कि आप पहले सबसे पहले सफारी पार्क की जानकारी लीजिए कितने कर में बन रहा है, उसके बाद आपको यहाँ का तमाम एरिया का नक्शा समझ में आ जाएगा और यहाँ की ज़मीन की वैल्यूएशन आपको समझ में आ जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि जो चाहते हैं कि हमारा पैसा सही जगह खर्चा हो, हमें धोखा ना मिले और हमारा इन्वेस्टमेंट सही हो और हमें आगे इसका फ़ायदा मिले, तो ऐसे लोगों के लिए ये ज़मीन एक सोने से कम नहीं है, बहुत कीमती ज़मीन है। तो उम्मीद करते हैं जो इस चीज़ में व्यवसाय में डेवलप करने में जैसे इंटरेस्ट रखते हैं, जो दिलचस्पी रखते हैं, वो लोग आगे आएंगे, इनसे संपर्क कीजिए और आपको क्या पूछना है, क्या जानकारी लेना है आप ले सकते हैं। इसका इस कॉलोनी का नाम है सहारा पार्क। वाकई आने वाले दिनों में जो भी बंदा या जो भी इसको व्यक्ति लेगा तो उसके लिए उनके जीवन के लिए, जैसा इसका नाम सहारा पार्क है तो उनके लिए यकीनन सहारा साबित होगा हर एतबार से। तो उम्मीद करते हैं कि जो इसे लेने वाले हैं, जो डेवलप में इच्छा रखते हैं, वो यहाँ पर ज़रूर आएंगे और अपने अपने क्षमता के अनुसार सक्षम होकर काम करने का प्रयास करेंगे। जैसा आपने प्लाट के बारे में जानकारी ली सहारा पार्क के बारे में, वहाँ से ठीक निकलकर हम गाड़ी पे टू व्हीलर पे यहाँ पर आए हैं और ये सफारी पार्क है जो आज बहुत चर्चा का विषय है और बहुत बड़ा मराठवाड़े का बहुत स्टैंडर्ड हम समझते हैं, बहुत बड़ा एक गार्डन बनने वाला है, पार्क बनने वाला है। हम गाड़ी पे सिर्फ यहाँ से आने में हमें सिर्फ 5 मिनट लगे और पैदल अगर आते हैं हम तो 10 से 15 मिनट लगते हैं। आपको बताने का सिर्फ एक ही मकसद है कि ये मराठवाड़े का बहुत बड़ा गार्डन बनने जा रहा है, ये तो बनने जा रहा है और इस वजह से हम समझते हैं अतराफ की ज़मीन के भाव यकीनी तौर से बढ़ेंगे आने वाले भविष्य में। तो आप जो लेने के ज़मीन इच्छुक हैं तो आगे अगर भविष्य के हिसाब से, कारोबार के हिसाब से, व्यवसाय के हिसाब से, कोई डेवलपमेंट के हिसाब से, तो हम समझते हैं बहुत अच्छी ज़मीन है, बहुत अच्छा है। और ख़ासकर हम उन लोगों को ख़ासतौर से कहना चाहते हैं कि इसके अतराफ़ में आने वाले भविष्य में बड़े बड़े लॉजिंग और होस्टिंग और बहुत बड़े होटल्स खुलेंगे और एक व्यवहार बढ़ेगा, व्यवसाय बढ़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पर दूर दूर पर्यटक आएंगे तो उस हिसाब से भी लोग ज़मीन खरीद सकते हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है और एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे ऐतिहासिक शहर में हमारे महानगर पालिका कमिश्नर साहब एक ऐतिहासिक काम करने जा रहे हैं और एक उनके कार्यकाल में एक काम का आरंभ हुआ है और हम समझते हैं शायद उनके कार्यकाल में शायद समाप्त हो जाए या ना हो, लेकिन उनकी यादें हमेशा इस शहर से जुड़ी रहेंगी कि उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है, एक बहुत बड़ा विशाल गार्डन बनाया है।